झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार ने आगामी खरीफ सत्र में किसानों को उर्वरकों की समूची और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यूरिया और डीएपी का उम्मीद से ज्यादा शुरुआती भंडार रखने का लक्ष्य रखा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बुधवार को कहा है कि खरीफ फसलों के लिए सरकार ने उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर उपलब्धता को लेकर अग्रिम तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि वैश्विक बाजार से उर्वरक और अन्य कच्चा माल जुटाने से यूरिया और डायमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी को उम्मीद से ज्यादा शुरुआती भंडार रखने में मदद मिलेगी। देश में खरीफ फसलों की बुआई मानसूनी बारिश शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाती है। हालांकि इन फसलों के लिए उर्वरक और अन्य पौष्टिक तत्वों की जरूरत अप्रैल और सितंबर के बीच पड़ती है। अधिकारी ने कहा कि खरीफ सत्र 2022 में डीएपी का शुरुआती भंडार 25 लाख टन रहने का अनुमान है, जो खरीफ सत्र 2021 के 14.5 लाख टन रहा था। यूरिया के मामले में शुरुआती भंडार 60 लाख टन रहने की उम्मीद है, जो कि पिछले साल 50 लाख टन रहा था। अधिकारी ने साथ में ये भी कहा कि भारत यूरिया और अन्य मृदा संवर्धक तत्वों की आपूर्ति सुधारने के लिए कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है और इसके लिए दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते की संभावना टटोल रहा है। अधिकारी के मुताबिक कोविड-19 महामारी और चीन की तरफ से लगाई पाबंदियों की वजह से उर्वरकों की आपूर्ति पर असर पड़ा है, जिसने इसके दाम बढ़ा दिए हैं। इस स्थिति में भारत पहले से ही अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। भारत अपनी ज़रूरत का 45% डीएपी और कुछ यूरिया का आयात चीन से करता है। यूरिया को छोड़कर डीएपी और अन्य फॉस्फेट उर्वरकों की कीमतों में निजी कंपनियां तय करती हैं। कच्चे माल की वैश्विक कीमतें बढ़ने से घरेलू स्तर पर भी डीएपी के दाम बढ़े हैं। बीते खरीफ और रबी सीजन में किसानों को खाद के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई राज्यों में किसान खाद के लिए प्रदर्शन करते नजर आए हैं। खाद की कमी के कारण कुछ हिस्सों में बुआई के काम में अभी देरी है। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।